हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद रेशो। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक नए टॉपिक स्विच केस के बारे में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। स्विच केस स्टेटमेंट को हम कहाँ यूज करते हैं? स्विच केस स्टेटमेंट जो होता है, जब हमें किसी एक नंबर के कई सारे ऑप्शंस हैं, मतलब कभी हमारे पास कोई एक कंडीशन है और उसके कई सारी चॉइसेस हैं, उनमें से किसी एक चॉइस को चूज करना है, ऐसी कोई कंडीशन आती है तो हम वहां स्विच केस को यूज करते हैं। स्विच केस इज यूज्ड व्हेन वी हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस एंड वी मे नीड टू परफॉर्म अ डिफरेंट टास्क फॉर ईच चॉइस। मतलब क्या कि अगर हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं किसी कंडीशन में और हमें उन अलग अलग ऑप्शंस पे कुछ अलग अलग चीजें परफॉर्म करनी है, तो हम उस चूज स्विच केस को यूज करते हैं ताकि हम ऑन द बेसिस ऑफ केसेस के आधार पर हम अपने कोड को, ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर सकें। तो स्विच केस में क्या होता है, फ्लो कैसा होता है? यहां पर एक एक्सप्रेशन होता है, पहले लिखा जाता है स्विच, फिर यहां एक एक्सप्रेशन होता है। उस एक्सप्रेशन को हम टेस्ट करते हैं कि क्या ये एक्सप्रेशन मैच कर रहा है हमारी दी हुई वैल्यू से या नहीं। अगर एक्सप्रेशन यहाँ पर जो हमने दिया है वो करेक्ट है, ट्रू है, तो फिर हम यहाँ जाते हैं और उस एक्सप्रेशन में यहाँ पर हम केस देखते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा कैलकुलेटर का एग्जांपल ले लो, तो जैसे कैलकुलेटर है जिसमें हम प्लस साइन अगर एंटर करेंगे तो हमें दो नंबर्स को ऐड करना है, तो हम कैसे बनाएंगे? यहाँ हम इस एक्सप्रेशन में प्लस साइन देंगे, कंप्यूटर के बटन में प्लस को क्लिक करेंगे और केस वन में क्या होगा, हमने फॉर एग्जांपल डिफाइन किया केस वन की अगर प्लस साइन है तो ए प्लस बी कर दो, अगर माइनस साइन है तो ए माइनस बी कर दो, अगर इनटू मल्टीप्लिकेशन साइन है तो ए इनटू बी कर दो, और अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो यू नीड टू एंटर ए गुड नंबर, यू नीड टू एंटर ए गुड सिंबल। ठीक है, तो इस तरीके से हम, अगर हमें कैलकुलेटर का एक फंक्शनैलिटी बनानी है तो हम वहां पर स्विच केस का यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से तो दोस्तों, यहां मैं आपको, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कैलकुलेटर में हम कैसे स्विच केस का यूज कर सकते हैं, तो आइए मैं एक मैनुअल कैलकुलेटर कोड से बनाऊं और आपको बताऊं कि कैसे कैलकुलेटर में हम स्विच केस का यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर कैसे बना सकते हैं कोड के थ्रू। तो देखिए, यहां मैंने एक क्लास बनाई है कैलकुलेटर, ओके। इस क्लास को, ये एक पब्लिक क्लास है, ओके। यहां पर मैंने एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया है ans, ओके। अब यहां पर मैं कैलकुलेटर का लॉजिक लिखूंगी, तो यहां मैंने एक मेथड बनाई है कैलकुलेटर नाम की। यहां पर मैं क्या कर रही हूँ, स्विच केस का यूज कर रही हूँ और एक सिंबॉल यानी प्लस माइनस इनटू मल्टीप्लिकेशन को यहाँ टेस्ट करूंगी कि अगर प्लस सिंबॉल है तो ये वाला हो ए प्लस बी नंबर वन प्लस नंबर टू, अगर माइनस सिंबल हो तो नंबर वन माइनस नंबर टू, अगर इंटू सिंबल हो तो नंबर वन इंटू नंबर टू, और अगर डिवाइड सिंबल हो तो नंबर वन डिवाइडेड बाय नंबर टू। और यहां पर क्या हो रहा है, रिजल्ट्स को मैं, रिजल्ट वेरिएबल को प्रिंट कर रही हूँ। और यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट मैंने क्यों लगाया है वो मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ। तो देखिए, यहाँ मैंने एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो यहाँ सबसे पहले मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है एंटर फर्स्ट नंबर। जब यूजर एंटर फर्स्ट नंबर देगा तो वो फर्स्ट नंबर जो हम कंसोल में एंटर करेंगे वो इस नंबर वन में आ जाएगा इस स्टेटमेंट के द्वारा, इंटीजर नंबर वन इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट इंट। अब इसी तरीके से जब मैंने एंटर सेकेंड नंबर मांगा है, जैसे ही वो सेकेंड नंबर एंटर करेगा तो इस नंबर टू में वो सेकेंड नंबर आ जाएगा। फिर क्या कहेगा, हम मांगेंगे सिंबल्स प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन, तो हम जैसे ही सिंबल को एंटर करेंगे तो वो इस सिंबल वेरिएबल में आ जाएगा। अब देखिए, जैसे ही हमने फॉर एग्जांपल प्लस एंटर किया तो वो यहां आ जाएगा, और फिर इस केस के आगे जो ये सेंटेंस लिखा है, ये जो सिंटेक्स लिखा है प्लस को स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो इस प्लस से वो कंपेयर करेगा, या प्लस माइनस इनटू और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से कंपेयर करेगा इन केसेस से। तो क्या हमारा सिंबल मल्टीप्लाई है? नहीं। क्या हमारा सिंबल डिवाइड है? नहीं। क्या हमारा सिंबल माइनस है? नहीं। क्या हमारा सिंबल प्लस है? यस, तो हमारा सिंबल प्लस है।
तो अब वो इस केस को एग्जीक्यूट करेगा, और यहां पर हमारे पास दिया है इसका सिंबल सिंटेक्स ये है कि केस, फिर हमारा जो एक्सप्रेशन होता है वो यहां देखते हैं, और फिर ये कॉलन का साइन लगाते हैं, और उसके बाद हमारा कोड लिखते हैं। तो यहां मैंने लिखा रिजल्ट वेरिएबल, यहां इनिशियलाइज किया मैं, डिफाइन किया मैंने यहां, और इसमें ये वैल्यू 1+2 वैल्यू, नंबर 1+2 वैल्यू को प्लस करके रिजल्ट को यहां प्रिंट कर दिया। अब ये मैंने ब्रेक स्टेटमेंट क्यों लगाया है? अगर मैं ये ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाऊंगी तो क्या होगा, ये केस वन, तो जैसे कि यहां से मैंने एक ब्रेक स्टेटमेंट हटा दिया, तो अब देखिए ये जो है इस पॉइंट पे आएगा, और फिर देखिए क्या रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले इसने नंबर मांगा 30, फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट नंबर दिया 30, दूसरा नंबर दिया मैंने 20, और फिर इसने सिंबल मांगा तो मैंने दे दिया माइनस। तो इसने क्या किया, रिजल्ट इज 10, तो रिजल्ट इज 10। क्यों आया रिजल्ट इज 10? क्योंकि यहां पर देखो जब माइनस आया था तो माइनस के बाद यहां पर मैंने ब्रेक लगा दिया था। अगर मैं अब यहां पर डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू प्रेस यस, तो मैंने यहां पर वाई प्रिंट कर देती हूं, फिर मैं फर्स्ट नंबर देती हूँ 40 फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड नंबर 20, और मैं अब देती हूँ प्लस सिंबल प्लस, तो अब क्या होगा 60 एंड 20। दो बार क्यों आया, क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने प्लस सिंबल के लिए तो ये स्टेटमेंट किया था, लेकिन यहां मैंने ब्रेक नहीं लगाया, तो मैंने क्योंकि यहां ब्रेक नहीं लगाया तो ये सेकंड सिंबल पे पहुंचा, और यहां पर इस केस में भी क्योंकि मैंने ब्रेक नहीं लगाया था इसलिए इसने 20 को, यानी 40-20 20 को प्रिंट किया, ठीक है, लेकिन यहां ब्रेक लगा था इसलिए ये इधर पर नहीं गया। अब मैं जैसे यहां, तो आपको ये समझ में आया कि कैसे ये ब्रेक ना लगाने से ये एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में जंप करता है, ठीक है। तो यहां पर जैसे ये बोला है डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैं बोलती हूं नो, तो मैंने नो लिखा तो ये डिस्कनेक्ट हो गया, यहां से ये मतलब रुक गया हमारा एग्जीक्यूशन। तो ये कैलकुलेटर क्लास मैंने कैसे बनाई है और इसका कोड क्या है, मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझा देती हूँ। यहां पर मैंने जैसे अभी तक बताया कि ये कैलकुलेटर की जो मैंने स्विच स्टेटमेंट बनाया है, अब यहां पर मैंने ये जो मेन मेथड बनाई है, तो मैं ये कैलकुलेटर मेथड को इस मेन मेथड में इस क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाकर इस डू वाइल लूप में कॉल कर रही हूं। कैसे कि मैंने यहां पर इस ऑब्जेक्ट से कैलकुलेटर मेथड को कॉल किया, तो डू वाइल लूप एक बार तो डू वाइल लूप चलेगा, मतलब पहली बार वो कैलकुलेटर को की मेथड को कॉल करेगा, और कैलकुलेटर की मेथड में एंटर योर फर्स्ट नेम आएगा, उसके बाद फिर जब पहली बार चल गया उसके बाद वो हमसे क्वेश्चन पूछेगा डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू, तो अगर हम वाई करेंगे तो हम कंटिन्यू करते जाएंगे। अगर मैं यहां फोर लूप चूज करती तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता। डू व्हाइल लूप इस कंडीशन के लिए परफेक्ट है कि हमने एक बार कंडीशन रन करा दी, उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या अब हमें आगे बढ़ना है, अगर हम कहेंगे हाँ तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर हमें हम नहीं कहना तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम डू व्हाइल लूप का यूज करके इस मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो आप, मैं आशा करती हूँ कि आपको स्विच केस कैसे यूज करते हैं समझ में आ गया होगा। और इसमें ये डिफॉल्ट का यूज क्या है कि डिफॉल्ट हमेशा जैसे कि अगर हमारी एक भी कंडीशन यहां पर मैच नहीं करती है, तो मैं आपको डिफॉल्ट भी रन करके बताती हूं। तो जैसे मैंने यहां पर 40 लिखा, एंटर फर्स्ट नेम, और 10 लिखा, ठीक है। अब सिंबल में मैंने प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन को छोड़कर हैश या हैश दबा दिया, तो अब क्या बोलेगा ये, प्लीज एंटर अ वैलिड सिंबल, तो ये फिर डिफॉल्ट वैल्यू में जाएगा। क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू में यहां पर मैंने जो वैल्यू डाली हैश,
वो इन किसी भी सिंबल से मैच नहीं कर रही है, इसलिए स्विच स्टेटमेंट में डिफॉल्ट के थ्रू हम टर्मिनेशन को रोक सकते हैं, एरर आने को रोक सकते हैं, और हम डिफॉल्ट स्टेटमेंट का यूज करके हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि आप एक सही वैल्यू डालिए। और फिर जब मैं यहाँ पूछ रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू प्लस वाई और एंड, तो मैंने नो कर दिया तो ये टर्मिनेट हो गया। तो इस तरीके से यहाँ डिफॉल्ट का यूज क्यों किया जाता है, जब हमारी एक भी केसेस में से कोई कंडीशन मैच नहीं करती तो हम एक डिफॉल्ट कंडीशन डाल सकते हैं कि अगर कोई केस मैच ना करे तो ये कर लो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब आपको स्विच केस अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे स्विच केस का यूज किया जाता है और कैसे हम किसी प्रोग्राम में स्विच केस का यूज करके एक सिंपल एप्लीकेशन बना सकते हैं। स्विच केस नॉर्मली डेवलपर्स यूज करते नहीं हैं, ये बहुत ही रेयर केसेस में स्विच केसेस का यूज होता है, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा टॉपिक है जावा का, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको इसे एक्सप्लेन कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियोस में जो मैंने टॉपिक समझाया है वो आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।